हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करेंगे। इसके पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से ना छूटे। इस वीडियो में हम और भी डिटेल में जाएंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं और आपके क्वेश्चन वहाँ से छूट जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको जो चित्र दिख रहा है ये है मानव का पाचन तंत्र। ये मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, जिस तरह से यहाँ पर आपको दर्शाया गया है उसी तरह से आपके शरीर में भी होता है। मानव शरीर में इसी तरह का हमें पाचन तंत्र देखने के लिए मिल जाता है। तो चित्र पर ध्यान मत दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने नहीं बनाया है, बस आपको समझाने के लिए ऐसे ही बना दिया है, ये जानने के लिए कि किस अंग को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो होता है इसे कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा कहते हैं, तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। इसे कहते हैं मुख गुहा। और ये जो होती है ये है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ये होती है ग्रास नली। ये होता है अमाशय। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये होता है यकृत। ये होता है पित्ताशय। एक बार हम सबका नाम जान लेते हैं, फिर जानते हैं कि किसका क्या कार्य होता है। ये है पित्ताशय। ये है ग्रहणी। ये है बड़ी आंत। यह है छोटी आंत। ये जो होता है यह है अपेंडिक्स। ये जो है यह है मलाशय। और यहाँ पर ये जो है इसे कहते हैं अग्नाशय। और यहाँ पर एक होता है जिसे कहते हैं ग्रसनी। तो ये सभी जो है मानव पाचन तंत्र के अंग होते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं, ये होता है मुख गुहा, ये है लार ग्रंथि, ये है ग्रसनी, ये है ग्रास नली, इसे कहते हैं अमाशय, ये है अग्नाशय। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये है यकृत, इसे कहते हैं पित्ताशय, ये जो है इसे कहते हैं ग्रहणी, इसे कहते हैं छोटी आंत, इस ग्रीन वाले को कहते हैं बड़ी आंत, ये जो है इसे मलाशय कहते हैं, और ये जो यहाँ नीचे छोटा सा है इसे कहते हैं अपेंडिक्स। फ्रेंड्स, भोजन को हम मुख से खाते हैं, ग्रास नली से होता हुआ वह अमाशय में जाता है, अमाशय से वह छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से वह बड़ी आंत में जाता है, और फिर मलाशय से वह बाहर निकल जाता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जो मैं कह रही हूँ उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और समझिएगा। मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कहते हैं, यानी कि मानव का पाचन तंत्र। अब चलिए जानते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र कहते किसे हैं, क्या कार्य होता है इसका। भोजन को चबाना, चबाए हुए भोजन को निगलना, निगले हुए भोजन को बाहर त्यागना आदि प्रक्रियाएं पाचन तंत्र द्वारा होती हैं। यह है आहार नाल। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। विभिन्न स्थानों पर इसका व्यास अलग अलग होता है। आहार नाल के कई भाग होते हैं, जैसे मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी जो हैं आहार नाल के ही भाग होते हैं।
अब चलिए जानते हैं कि इसमें से एक एक भाग का क्या क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मुख गुहा के बारे में। ये दो होठों से घिरा और अंदर मुख गुहा में खुलता है। मुख में 32 दांत होते हैं। मनुष्य में दांतों के प्रकार, उनकी संख्या व उनके कार्य अलग अलग होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इतनी बातों को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ आहार नाल के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर मुख गुहा के बारे में लिखा हुआ है। अब चलिए हम जानते हैं कि दांतों के प्रकार कितने होते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है और दांतों के कार्य क्या क्या हैं। तो दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इनकी संख्या अलग अलग पाई जाती है और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले होता है कृंतक या इंसाइजर। ये 2 जोड़ी यानी 4 दांत पाए जाते हैं और इनका कार्य होता है भोजन को कुतरना। फिर है रदनक या कैनाइल। ये 1 जोड़ी यानी कि 2 दांत पाए जाते हैं और इनका कार्य होता है भोजन को पकड़ना व चीरना। फिर है अग्रचर्णक या प्रीमोलर। ये 2 जोड़ी यानी कुल 4 दांत पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है भोजन को चबाना व पीसना। फिर होता है चर्णक या मोलर। ये 3 जोड़ी पाए जाते हैं यानी कि 6 दांत पाए जाते हैं और इनका भी कार्य होता है भोजन को चबाना व पीसना। फिर मुख गुहा में ही जीभ पाई जाती है। तो चलिए जीभ के बारे में जानते हैं। मुख गुहा के फर्श पर जीभ होती है जो भोजन का स्वाद चखती है, भोजन चबाते समय उसको उलटती पलटती है, उसमें लार को मिलाने में सहायता करती है और चबाए गए भोजन को निगलने में मदद करती है। ये सारे कार्य किसके होते हैं? जीभ के, जिसे जिह्वा भी कहते हैं। इसके बाद है ग्रसनी। इस चित्र को ध्यान में रखिएगा, ग्रसनी यहाँ पर होती है। अब चलिए जानते हैं कि ग्रसनी के क्या कार्य हैं। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा की दीवारों में लार ग्रंथियाँ होती हैं। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। ग्रसनी में अंदर एक बड़ा छिद्र होता है जिसे निगल द्वार कहते हैं। इसके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है। इनके ऊपर एक मुलायम तालु ऊपर से लटकता रहता है जिसे युवला कहते हैं। इसी प्रकार जीभ के अंतिम सिरे पर पीछे की ओर निगल द्वार के आसपास टॉन्सिल नामक फूले हुए स्थान होते हैं। ये तो हो गई ग्रसनी की बात। अब बात करते हैं ग्रास नली की। ग्रास नली जो है यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली है और श्वास नली के नीचे स्थित होती है। यह डायाफ्राम को भेद कर उदर गुहा में स्थित अमाशय में खुलती है। कौन? ग्रास नली। कौन है ग्रास नली? ये नली जो होती है। अब चलिए जानते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय जो होता है वह जे आकार के एक थैले के समान होता है। इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। यह देह गुहा में बाई ओर हृदय के पास स्थित होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हृदय होता है, यहाँ उसके पास यह अमाशय स्थित होता है। इसको कार्डियक छिद्र कहते हैं। भोजन नली का अंतिम सिरा अमाशय से जुड़ा रहता है जिससे भोजन अमाशय में पहुँचता है। अमाशय के दूसरे सिरे को पाइलोरिक सिरा कहते हैं जो एक सिरे पर बड़ा परंतु दूसरे सिरे पर संकरा होता है। इसके सिरे पर स्थित छिद्र को पाइलोरिक छिद्र कहते हैं। अमाशय की भित्ति में मोटा पेशी स्तर होता है और श्लेष्म का आवरण होता है जिसमें अनेक अमाशयिक ग्रंथियां होती हैं। इनसे जठर रस निकलता है। अमाशयिक ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब चलिए उन 3 कोशिकाओं के बारे में जानते हैं। देखिए, एक कोशिका होती है पेप्टिक। ये कोशिका जो पाचन एंजाइम का स्राव करती है। दूसरी होती है ऑक्सेंटिक या पैराइटल। ये कोशिका जो है HCL का स्राव करती है। तीसरी है म्यूकस कोशिकाएं जो म्यूकस बनाती हैं। इसमें अमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है। अब आइए जानते हैं कि अमाशय का कार्य क्या होता है। भोजन का पाचन, भोजन का संग्रह, भोजन को पतला ले जैसा बनाना, भोजन के साथ आए जीवाणुओं का नाश करना, ये सभी कार्य जो हैं अमाशय के होते हैं। अब चलिए जानते हैं ग्रहणी के बारे में। ग्रहणी कौन सा है? ग्रहणी ये होता है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसकी आकृति अंग्रेजी के सी के समान तथा लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यकृत से पित्त नली तथा अग्नाशय से अग्नाशय नली इसके निचले भाग में आकर मिलती है। दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसा वहाँ पर लिखा हुआ है
ऐसे ही इसमें हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब किसके बारे में जानना है, छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत यानी कि ये वाली आंत, अब इसके बारे में चलिए जानते हैं। यह ग्रहणी के निचले भाग से प्रारंभ होती है। यह नली लगभग 6-7 मीटर लंबी होती है, अतः यह कुंडलित अवस्था में उदर गुहा में पड़ी होती है। कुंडलित अवस्था में देखिए ये है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से है, तो ये कुंडलित अवस्था में है तो वही लिखा है। अब चलिए जानते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत के बारे में क्या लिखा है, देखिए यह अधिक चौड़ी होती है, इसकी लंबाई 7 फीट होती है। छोटी आंत एक छोटे से थैले जैसे भाग में खुलती है, इसे सीकम कहते हैं। अब जानते हैं किसके बारे में, मलाशय के बारे में। ये होता है मलाशय। मलाशय के बारे में देखिए क्या है, यह बड़ी आंत का ही अंतिम भाग है। कौन, मलाशय। यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है। यहाँ भोजन से केवल जल का अवशोषण होता है। यह अपच भोजन को विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। कौन निकालता है, मलाशय। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अपच भोजन को बाहर कौन निकालता है, तो मलाशय निकालता है। फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था इसी टॉपिक पर, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैंने इसे नोट फॉर्म में समझाया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।